आज 1 जून है। 1 जून साल के 6 महीने का पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। थॉमस एल्वा एडिसन को आज के दिन 1 जून 1869 में इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के लिए पेटेंट मिला था। ये उनके साइंटिफिक करियर का पहला पेटेंट था। थॉमस एल्वा एडिसन को पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए जानती है, लेकिन एडिसन मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। फोनोग्राफ, कैमरा, टेलीफोन से लेकर बैटरी तक उन्हीं की देन है। हॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो का जन्म आज के दिन 1 जून 1926 में हुआ था। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी मर्लिन कभी बेहद शर्मीली थी, लेकिन आज उन्हें एक बिंदास गर्ल के तौर पर जाना जाता है। मर्लिन मुनरो एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मॉडल और गायिका भी थी। मर्लिन मुनरो की गिनती 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में होती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस का जन्म आज के दिन 1929 में हुआ था। नरगिस को एक्टिंग का शौक नहीं था, लेकिन माँ की ख्वाहिश थी कि नरगिस अभिनेत्री बने। महज 6 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार उन्होंने फिल्मों में एंट्री की और मदर इंडिया में नरगिस दत्त ने सबसे यादगार माँ का किरदार निभाकर लोगों की खूब तारीफें बटोरी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 1 जून 2001 को नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उनके पिता राजा बीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 और सदस्य शामिल थे। परिवार के लोगों की हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।